जय हिंद साथियों। तो चलिए सर से डीसी की क्लास को फिर से हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। आज टाइप नंबर 5 को देखेंगे, ठीक है? तो चलिए कमेंट को स्टार्ट कर दे, उसके बाद फिर हम लोग आगे की कहानियों को शुरू करेंगे। आज की कहानी शुरू होती है इस प्रकार। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करें। आज का कहानी प्रारंभ होती है। अब आज हम लोग टाइप नंबर 5 को देखेंगे, ठीक है? तो चलिए टाइप नंबर 5 की कहानी क्या क्या होती है इस चीज को अब हम लोग देखना शुरू करें। टाइप नंबर 5, अब देखिए टाइप नंबर 5 में क्या सभी कहानी है। चलिए टाइप नंबर 5 की कहानियों को हम लोग देखना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए टाइप नंबर 5 में क्या सीन है। इसमें सबसे छोटे और सबसे बड़े अंक को आपको बताना है, ठीक है? सबसे छोटा कौन होगा और सबसे बड़ा कौन होगा। जैसे देखिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, 3 के पावर 48। क्वेश्चन से ही समझेंगे और उसके बाद वहां से निकालेंगे। 2 के पावर 60, नेक्स्ट है 4 का पावर 36 और 5 का पावर 24। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन होगा, इस सभी में सबसे बड़ा कौन होगा इसे हमें बताना है। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे बनाना प्रारंभ देखना। चलिए देखिए कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना? तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप सबका पावर सेम कर दीजिए। तो देखिए इसे, देखिए इस सभी का जो पावर होगा ना, उस पावर का आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? एचसीएफ। HCF निकाल करके देखिए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो सबका ऊपर वाला पावर क्या कर दीजिए, 12 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर 16 12 चौके 48। तो 3 के पावर 4 और इसका होल पावर 12, तो टोटल पावर 48 हो जाएगा। ये देखिए 2 के पावर 12 5 60, तो 2 के पावर 5 और इसका होल पावर 12 कर दीजिए। ये है 4 के पावर 36, तो 12 3 36, तो 4 के पावर 3 और इसका होल पावर 12। और ये है तो 5 का पावर 2 और इसका होल पावर 12, ठीक है? अब देखिए सबका पावर जो है सेम दिख रहा होगा ऊपर में, सबका ऊपर वाला पावर क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। जब ऊपर वाला पावर हमें सेम दिखता है तो यहाँ से तो हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यह देखिए 3 का पावर 4 कितना होता है, 81। 81 का पावर 12, 2 के पावर 5 कितना होता है, 32। तो 32 का पावर 12 और 4 का पावर 3 कितना होता है, 64। तो 64 का पावर 12, उसके बाद 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 का पावर 12, ठीक है? तो अब देखिए नीचे वाला सब में बड़ा कौन दिखता है, 81 दिखता है ना।
पावर सबका सेम है, जब पावर सबका सेम है तो जो बेस बड़ा दिखेगा वही सबसे बड़ा होगा। तो बड़ा क्या दिख रहा है, 81 दिख रहा है ना। तो 81 वाला, 81 के सामने वाला डाटा क्या था, 3 के पावर 48 था ना। तो 3 के पावर 48 सबसे बड़ा है, 3 का पावर 48 क्या है, सबसे बड़ा है। तो लिखेंगे इसलिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 48। सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 48 हो जाएगा। समझ गए, चलिए छाप लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। रचा है सृष्टि का जिस प्रभु ने, सृष्टि चला रही। चलिए इसे मिटाते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। आज टाइप नंबर 5 चल रहा है, अभी इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है आपके सीजीएल के मेंस में, इसीलिए इसको आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको वह है 5 का पावर 20, 4 का पावर 30, 3 के पावर 40 और 2 के पावर 50। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5 का पावर 30, 4 का पावर 20, नहीं 5 का पावर है 20, 5 का पावर 20, 4 का पावर 30, 3 का पावर 40 और 2 का पावर 50। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालिएगा। तो सभी का पावर पहले सेम कर देना है। तो देखिए 5 को क्या ऐसे लिख दे, तो 5 का स्क्वायर है, इसका पावर 10, तो जानते हैं पावर के ऊपर पावर, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पावर का आपस में गुना होता है, तो 2 दहे का 20 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी 4 का पावर 3 और इसका पावर 10, 10 या 30, ये भी हो जाएगा 3 का पावर 4 और इसका पावर 10, और ये भी हो जाएगा 2 का पावर 5 और इसका होल पावर 10 हो जाएगा। जब हो गया तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का पावर 10, 4 का पावर 3 कितना होता है 64, तो 64 का पावर 10, 3 के पावर 4 होता है 81, तो 81 का पावर 10, 2 का पावर 5 होता है 32, तो 32 का पावर 10। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन दिखता है, अरे सबसे बड़ा जो दिखेगा वही सबसे बड़ा होगा। तो देखिए सबसे बड़ा दिख रहा है आपको 81, क्या दिख रहा है 81, तो इसी के सामने वाला सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या आ गया, 3 का पावर 40 आ गया। 3 का पावर 40 जो है वह सबसे बड़ी संख्या है, क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, छपाई अभियान जारी रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे पहले छापिए, रचा सृष्टि को जिस प्रभु वही सृष्टि चला रही, सृष्टि को जिस प्रभु ने, चलिए आगे बढ़ जाए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बनाना है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है आपका वह है 200 का पावर 300। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 200 का पावर 300 और 300 की पावर 200 में सबसे बड़ा कौन है? इस दोनों में बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, पावर को सेम करने का कोशिश करना है। ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी पूछे, बड़ा छोटा की कहानी आपको दिखे, तो क्या करना है, सबसे पहले पावर को समान करना है। ठीक है, तो पावर को समान कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। देखिए ये 300 है तो 3 गुने 100, यहाँ 200 है तो 2 गुने 100। यदि ये ऐसा हो जाएगा, 200 का पावर 3 और इसका होल पावर 100, ये 300 है, 300 का पावर 2 और इसका होल पावर कितना, 100। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पावर 300 है तो 3 गुना 100, ये 2 गुना 100, तो क्या हो जाएगा, तो 200 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होता है 8 और 2 गो 0 है तो कितना जीरो हो जाएगा, 6 गो 0, 6 गो 0 हो जाएगा, इसका पावर है 100। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 2 गो 0 है तो स्क्वायर है तो कितना जीरो, 4 गो 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का पावर सेम है तो जिसका बेस बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा, वही सबसे बड़ा होगा। जिसका बेस बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा और जिसका बेस छोटा होगा वह सबसे छोटा होगा। तो देखिए बेस किसका बड़ा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, देख लीजिए 80 लाख लिखा हुआ है और यहाँ पर 90 हजार है, तो 80 लाख बड़ा है, 90 हजार छोटा है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ से हमारा क्या आ गया, सबसे बड़ी संख्या जो आया हमारा वह आया है क्या, 200 का पावर 300। 200 के पावर 300 को ही तोड़ करके इतना लाए थे ना, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 200 का पावर 300 आ गया। ठीक है चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। सबकी सबमती अंधकार, चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 500 का पावर 100 और 500 का पावर 1000 है और 1000 का पावर 500 है, 1000 का पावर कितना है, 500 है। तब कहता है कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है। ऐसा देखिए जिसका पावर बड़ा दिखेगा ना 2 गो में, वही आपका आंसर हो जाता है, याद रखिएगा, 2 गो में जिसका पावर बड़ा दिखे वही आंसर। ठीक है, ऐसे बनाने के लिए तो अभी बना ही रहे। ठीक है देखिए क्या करेंगे, 1000 को क्या हम 10 गुने 100 लिख सकते हैं और 500 को 5 गुने 100, तो ये क्या हो जाएगा, 500 का पावर 10 और इसका होल पावर कितना हो जाएगा। नहीं तो देखिए डायरेक्ट कर दीजिए, 500 को 500 ही रहने दीजिए, इसको 1000 को क्या आप लिख सकते हैं 2 गुने 500, तो 500 का स्क्वायर और इसका पावर 500 और 1000 को आप जो है सो ऐसे रहने दीजिए, इसका पावर 500 तो है ये है। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना, 25 और 00 है तो कितना जीरो, 4 को 0 हो जाएगा, इसका पावर कितना 500 और 1000 का पावर भी कितना 500।
अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन दिखता है? अरे इन दोनों में जो बड़ा दिखेगा वही ना आंसर होगा। तो ये बड़ा दिख रहा है कितना, 2,50,000, और यहाँ पर है 1,000। तो बड़ा कौन होगा? 2,50,000 के सामने वाला। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया? सबसे बड़ी संख्या जो आया हमारा, सबसे बड़ी संख्या आ गया 500 का पावर 1,000। 500 का पावर 1,000, 500 का पावर कितना? 1,000। यह हमारा आंसर हो गया, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन। फाइव नंबर क्वेश्चन है, एक हजार का पावर 1,000 और 800 का पावर 1,500। चलिए डायरेक्ट आंसर आपको बता देना है कि सबसे बड़ा कौन होगा। तो दूगो में जिसका पावर बड़ा होगा वही हमारा आंसर होता है। जिसका पावर बड़ा होगा वही क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए आपका 800 का पावर सबसे बड़ा है ना, तो सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यही हो गया। ठीक है, अगर सबसे छोटी कहता तो छोटा पावर वाला आंसर हमारा हो जाता। क्या हो जाता? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक 2 से अधिक वाला दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो गो रहेगा तो डायरेक्ट जो है देखिएगा, जिसका पावर बड़ा दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जिसका पावर बड़ा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, वह है 200 का पावर 300, उसके बाद है 300 का पावर 200, उसके बाद है 400 का पावर 150। इसमें भी देखिए जिसका पावर बड़ा दिखेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन दिख रहा है? 200 का पावर 300 ना। तो 200 का पावर 300 कितना होता है? बहुत ज्यादा होगा, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा, यही सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया? 200 का पावर 300, 200 का पावर 300। ऐसे जैसे बताए हैं बनाना, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, 1,000 का पावर 1,000, 1,000 का पावर 1,000 और 1,001 का पावर 999। ये 7 नंबर क्वेश्चन, 1,000 का पावर 1,000 और 1,001 का पावर 999। इसमें कहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? हाँ बता सकते हैं, जिसका पावर बड़ा दिखेगा वह सबसे बड़ा होगा, जिसका पावर छोटा दिखेगा वह सबसे छोटा होगा। तो यहां से आप बताइए हमें देखकर कि इन दोनों में पावर किसका बड़ा है? 1,000 का पावर 1,000 बड़ा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 1,000 का पावर 1,000। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक जो क्वेश्चन है वह 1 नंबर क्वेश्चन बुझे ही है, 1,000 का पावर 999 और 999 का पावर 1,000। तो बताइए आंसर कौन होगा? तो जिसका पावर बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा ना, जिसका पावर बड़ा है। तो देखिए 999 का पावर 1,000 है ना, तो यही हमारा सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ी संख्या आ गया कितना?
सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यही है, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। क्या समझ गए इसे, इस टाइप को समझ गए? इस पर आधारित क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, अच्छी तरह से बना लीजिएगा। अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट करके पूछिए, बता देंगे। कमेंट अभी हम देख रहे हैं, पूछ सकते हैं, पूछिएगा तो बता देंगे, पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए आज की कहानी हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट, ठीक है।